नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। हमारे देश में एक रुपए के नोट की बड़ी अहमियत है। चाहे कोई शादी हो या जन्मदिन का मौका, किसी को शगुन देना हो या फिर विदाई, हम हमेशा 11, 21, 51, 101 रुपए यानी पैसे चाहे कितने भी हो उसके साथ एक रुपया जोड़कर देते हैं, जो कि शगुन भी माना जाता है। 30 नवंबर 2018 को एक रुपया भी 101 साल का हो गया है। लेकिन क्या आप एक रुपए के इस छोटे से नोट से जुड़ी दिलचस्प कहानी जानते हैं? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। सो गाइस, अभी मैं आपको जो करेंसी बताने जा रहा हूँ और जो नोट बताने जा रहा हूँ, ये अगर आप लोगों के पास में है तो मैं मेरे नंबर दे रहा हूँ, पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर भेजे। जो नोट रेयर है, जिस नोट की वैल्यू लाखों रुपए में है, वो नोट तो मैं बताऊंगा उसकी वैल्यू लाखों में है। लेकिन जो नोट रेयर नहीं है, नॉर्मल है और जिसकी वैल्यू हजारों रुपए में है, वो मैं आपको उस हिसाब से कीमत बताऊंगा जो रियल कीमत है, हजारों रुपए है मतलब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं कि फेक कीमत बता देते हैं और जिसकी लाखों रुपए प्राइस होती नहीं है वो ऐसे ही फालतू में फेंक देते हैं, 5 लाख, 7 लाख ऐसे ही बता देते हैं, 10 लाख। मैंने यहाँ तक देखा है, ये 5 रुपया ट्रैक्टर वाला नोट है तो इसकी वैल्यू कुछ लोग 20 लाख बता रहे थे, कुछ लोग 80 लाख बता रहे। यहाँ तक मैंने देखा है कुछ लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए भी डाल रखा है थंबनेल पे। तो भाइयों, इतनी प्राइस उनकी है नहीं रियल में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रियल में क्या प्राइस आपको मिल सकती है, मतलब सच में आपको कितने पैसे मिलेंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सच में हमें नोट और सिक्के बेचना है, कैसे बेचेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा। इस तरीके के माध्यम से बहुत सारे लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और आप भी उन लोगों तरीके से, मतलब उन लोगों की जैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आपको पहले ही बोल देता हूं वीडियो शुरू करने से पहले, मैं नहीं तो कोई फालतू पैसा लेता हूं और नहीं तो आपको किसी को फालतू पैसा देना है। वैसे आपको बता दूं, आपके नॉलेज के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए कोई किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन फीस ऐसे लोग नहीं लेता है, लगता भी नहीं है। और जो लोग आपसे मांग रहे हैं, और आपसे अगर कोई मांगेगा तो वो फ्रॉड है, वो ऐसे ही पैसे लूटेंगे, फाइल चार्ज मांगेगा, तो किसी को देना मत। ऐसे बहुत मार्केट में ऐसे फ्रॉड हो रहा है, तो आप उन लोगों से बचे। अगर आप सच में सेल करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में जो बता रहा हूँ, अलग अलग कॉइन लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में 6 कॉइन बताऊंगा और 6 नोट बताऊंगा जो रेयर नोट है, जो इंडिया में अलग अलग एग्जीबिशन में नीलामी के लिए रखे गए हैं। और यहाँ पर अगस्त में जो एग्जीबिशन हो रहे हैं, यहाँ पर अगस्त में ये मैं बताऊंगा 6 नोट और 6 सिक्के नीलामी के लिए रखे गए हैं। अगर आप में से किसी भाई या फिर किसी बहन के पास में, किसी माँ के पास में, माता के पास में मिल जाते हैं तो वो लक्की होंगे और वो सच में उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि आपसे बाय करने वाला व्यक्ति है, जो आपसे खरीद रहा है व्यक्ति, जो आपका बायर, वो सही होना चाहिए, वो सच में खरीद रहा है, सच में मतलब खरीद रहा है तो ही उनको बेचे। कोई पैसा या फिर कोई फालतू आपसे डाटा मांग रहा है, जैसे आपके पर्सनल कोई डाटा मांग रहा है, आधार मांग रहा है या फिर पैन कार्ड ऐसा कोई मांगता है, तो किसी को देना मत, वो एक नंबर के हरामी लोग हैं, फेक लोग हैं, उन लोगों से बचे। और इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एग्जीबिशन में बेचोगे तो कैसे बेचना होगा, और कॉइन शॉप पे बेचोगे फ्री में कैसे बेच सकते हैं, और किसी भी बायर से कैसे संपर्क कर सकते हैं, गूगल पे कैसे करेंगे, और यहाँ पर यूट्यूब पे कैसे कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में लेके आया हूँ, आप बने रहिए वीडियो, फटाफट ये जानकारी आपको दे देता हूँ। आपके पास है 500 रुपए का पुराना नोट, नोट के बदले में पा सकते हैं 10,000 रुपए। सिर्फ घर बैठे करना होगा ये काम। रातों रात अमीर बनने के सपने कौन नहीं देखता, कड़ी मेहनत करने पर भी ऐसे सपनों को बहुत कम लोग ही सच कर पाते हैं। लेकिन आपके पास कम समय में पैसे कमाने का मौका है। आप 500 रुपए के एक पुराने नोट से बिना कुछ किए हजारों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, ये सच है। दरअसल अगर आपके पास रखा 500 रुपए का नोट पुराना और दुर्लभ है तो इसकी कीमत 10,000 में लग सकती है। खास बात ये है कि इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इस तरह के पुराने नोट से आप घर बैठे ही मालामाल कैसे हो सकते हैं। अगर आपके पास कुछ पुराने सिक्के हैं तो आप इस बीच उनके लिए यह खुशखबरी है जो लोग पुराने सिक्के कलेक्ट कर रखने के शौकीन हैं। अगर आपके पास कुछ पुराने सिक्के हैं तो आप आसानी से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं।